अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेसन है वो है थीम। थीम क्या होता है? किसी भी वेबसाइट के अंदर थीम का क्या रोल होता है? अगर हम कोई भी वेबसाइट के ऊपर हम कोई भी पोस्ट बना लेते हैं, हमने जैसे कि देखा, हमने ऐसे ही हमने टेक्स्ट टेक्स्ट ऐड करना होता है, कोई भी इमेज ऐड करनी है, तो फिर थीम का उसके अंदर क्या रोल होता है? तो मैं आपको बताता हूँ। थीम जो होता है, हमारे कोई भी वेबसाइट के ऊपर हम कोई भी पेज बनाते हैं, हम कोई भी पोस्ट बनाते हैं, उसके अंदर फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, उसके अंदर कलर्स होते हैं, उसके अंदर ऐड किए हुए होते हैं, बहुत सारे कलर्स ऐड किए होते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी हमने कलरफुल चीज़ें ऐड की होती हैं, हमने बहुत सारे डिज़ाइन उसके अंदर ऐड किए होते हैं, बहुत सारे आप लोगों को बटन्स आपको नज़र आ रहे होंगे वेबसाइट के पेज के ऊपर, या किसी भी चीज़ को बटन्स कलरफुल नज़र आ रहे होंगे, या उसके अंदर बैकग्राउंड उसका कोई ऐसा आई कैची कोई उसका बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा आपको। तो जब हम ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम अपने हाथ के साथ लिख रहे होते हैं, तो फिर ये थीम पीछे कलर्स ये बटन्स ये सारी चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये इन चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले तो लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो वर्डप्रेस के ऊपर जो वेबसाइट बना रहे हैं वो बगैर प्रोग्रामिंग के हम बना रहे हैं। प्रोग्रामिंग के साथ भी थोड़ा सा हम डेमो लेंगे, थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, साथ साथ हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल ईजी टू यूज़ जो प्रोग्रामिंग है वो कौन सी है और कैसे हम कर सकते हैं। तो ये जो हम थीम बनाते हैं, ये जितने भी हम थीम्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं वर्डप्रेस के अंदर, ये हमें बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बने बनाए हमें थीम्स मिल जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वर्डप्रेस के अंदर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें बनी बनाई रेडीमेड मिल जाती हैं। तो उनको यूज़ कैसे करना है और कब हम यूज़ करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, और उसके ऊपर हम प्रैक्टिकली काम भी करेंगे। और मैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो थीम्स के ऊपर था कि थीम्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो थीम्स होते हैं ना, ये हमने बनाने नहीं होते। वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे थीम हमें फ्री के अंदर मिल जाते हैं, अगर हमने कोई सब्सक्रिप्शन हासिल की हो। मैं आपको आगे बताऊंगा सब्सक्रिप्शन कैसे हम हासिल करते हैं किसी भी चीज़ की, थीम्स को डाउनलोड करने के लिए, थीम्स को लेने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ्री के अंदर वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे थीम्स अवेलेबल होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम बहुत सारी पोस्ट बना सकते हैं, बहुत सारे पेजेस हम इसके अंदर बना सकते हैं। उन बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें बने बनाए थीम्स मिलते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे कलर्स ऐड होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मेन्यूज ऐड होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बटन्स ऐड होते हैं, सारी की सारी चीज़ें हमें रेडीमेड हुई मिल जाती हैं थीम्स के थ्रू। तो थीम्स जो है हमने प्रोग्रामिंग के साथ कोई भी नहीं बनाने, हमने बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए हमने थीम उठाने हैं, और उनके अंदर हमने अपना डाटा जो है इंटर करना है, जो भी हमारा कंटेंट है हमने उसके अंदर ऐड करना है, एडिट करना है, और पोस्ट और पब्लिश कर देना है हमने इसको। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो थीम्स होते हैं इनके लिए प्रोग्रामिंग ज़रूरी होती है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जो हम वर्डप्रेस के ऊपर जो हम वेबसाइट बना रहे हैं वो हम बगैर प्रोग्रामिंग के बना रहे हैं। जैसा कि आपने अभी तक देख भी लिया है कि जितने भी हमने पोस्टें क्रिएट की हैं, हमने जितने भी पेजेस बनाए हैं, हमने जितने भी उसके अंदर मेन्यूज़ ऐड किए हैं या कुछ चीज़ें हमने ऐड की हैं, उसके अंदर प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी हमने किसी किस्म की ज़ीरो प्रोग्रामिंग हमने यूज़ की उसके अंदर, यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर, और की ही नहीं है हमने प्रोग्रामिंग। आगे हम थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग यूज़ भी करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल ईजी टू यूज़ है, उसके अंदर बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब जब उसको देखेंगे, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो प्रोग्रामिंग है ही नहीं, ये तो इतना मुश्किल काम है ही नहीं, तो बहुत ही आसान काम है। तो आप हमारे साथ टच में रहें, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि थीम कैसे डेवलप करते हैं और थीम के ऊपर काम कैसे करते हैं।